रात 10 बजे में इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के खार्किव में भीषण बमबारी की जानकारी मिल रही है। बम धमाकों से फिर दहलाए खार्किव, और इस बीच जानकारी है कि बम धमाके से एक मार्केट में भीषण आग लग गई है। खार्किव में बिल्डिंग पर मिसाइल गिराई गई है, और ये सब किया है रूस की सेना ने। यूक्रेन के खार्किव में भीषण बमबारी की तस्वीरें सामने आई है, और ये अभी की सबसे भयानक खौफनाक तस्वीरें। बम धमाकों से दहल गया है खार्किव, और धमाका एक मार्केट में हुआ, उसके बाद भीषण आग लग गई है। खार्किव में बिल्डिंग पर एक मिसाइल गिराने की भी तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं, और ये बता रही हैं कि किस तरह से यूक्रेन इस वक्त यूक्रेन के खार्किव में भीषण तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और रूस की सेना अब हर उस ठिकाने को ध्वस्त करने में लगी है जो उसकी जद में आ रहा है। और अब बड़ी बात यह है कि वो मिसाइल से अटैक कर रहा है। वो खार्किव जहां पर बीते दिनों में भीषण तबाही हुई है, एक बार फिर से भारी बमबारी से गोदाम को तबाह करने की कोशिश रूसी सेना के जरिए की गई है। रात के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन पर हमले के 22वें दिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि इस युद्ध में रूसी सैनिकों को सीरिया, चेचनिया और अफगानिस्तान में हुए युद्धों से भी अधिक नुकसान उठाना होगा। 528 घंटे की लड़ाई में अब तक पुतिन का बम कहां कहां फटा, यूक्रेन अब तक कितना टूटा, 22 दिन के ज़ेलेंस्की की वॉर डायरी पर देखिए सुपर एक्सक्लूसिव शो द यूक्रेन फाइल्स। यूक्रेन की राजधानी कीव को पुतिन की सेना जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेना चाहती है। इसके लिए जंग अब काफी तेज हो गई है। रूस की रेड आर्मी का सबसे बड़ा टारगेट कीव का प्रेसिडेंशियल हाउस है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति का आधिकारिक ऑफिस है। रूसी सेना का राजधानी कीव पर कब्जा, मतलब पूरा यूक्रेन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुट्ठी में। इसलिए अब पुतिन के लड़ाके पूरी ताकत के साथ कीव की बड़ी लड़ाई शुरू कर चुके हैं। अपने सुप्रीम कमांडर व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूस की सेना कीव पर कब्जे के लिए कैसे एक साथ तीन तीन प्लान को आगे बढ़ा रही है, हम आगे बताएंगे। बड़े शहर में पुतिन की सेना ने तबाही मचा रखी है। आसमान बारूद के धुएं से अटा पड़ा है। हमले के बाद यूक्रेन का यह खूबसूरत शहर मलबे में बदल गया है। यूक्रेन युद्ध में खार्किव क्यों पुतिन की सेना के सीधे निशाने पर है, इसे भी हम आपको बताएंगे। लवी
लवीव के साथ रूस की सेना ने लवीव के पास मौजूद यवोरीव में ट्रेनिंग ग्राउंड पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। यहां रूस की सेना एक के बाद एक 8 मिसाइल बरसा चुकी है। यवोरीव की लोकेशन युद्ध को और बड़ा बना सकती है, या कहें कि ये युद्ध को यूक्रेन की सीमा से और पश्चिम भी ले जा सकता है, जो तीसरे विश्व युद्ध की रेड लाइन है। रूस की सेना ने जिस मिलिट्री बेस पर मिसाइलों से निशाना साधा, वो यूक्रेन के लवीव शहर के उत्तर पश्चिम में करीब 40 किलोमीटर दूर है। वहीं ये पोलैंड सीमा से करीब 13 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के इस मिलिट्री एयरबेस पर रेड आर्मी की तरफ से क्रूज मिसाइलें दागने के बाद पोलैंड के साथ साथ शक्तिशाली नेटो का संगठन भी अलर्ट हो गया है। पर अब रूस की सेना का पहरा है। मलबे के ढेर में बदला ये शहर युद्ध की विनाश लीला की गवाही दे रहा है। लेकिन अभी और भी कई शहरों की तस्वीर ऐसी ही होने वाली है, क्योंकि ना तो पुतिन रुकने को तैयार है, ना ही ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है, और ना ही युद्ध अभी रुकने वाला है। ओडेसा में यूक्रेन का सबसे बड़ा नेवल बेस है। काला सागर के उत्तरी तट पर बसे इस शहर पर रूस की नौसेना लगातार मिसाइल अटैक कर रही है। काला सागर से लगने वाले यूक्रेन के समुद्री तटों पर अब रूस के युद्धपोतों का पहरा है। काला सागर में रूस की नौसेना ने कड़ा जल चक्र व्यूह रचा है। इसका मकसद यूक्रेन के समंदर वाले सप्लाई रूट को काटना है। और लुहान, ये यूक्रेन के ऐसे दो इलाके हैं जिसके एक बड़े हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा है। विद्रोहियों को रूस का समर्थन है। यूक्रेन का ये वो हिस्सा है जहां युद्ध के आगाज से पहले भी गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही है। विद्रोही और यूक्रेन की सेना बरसों से यहां एक दूसरे को गन प्वाइंट पर लिए हुए थे, लेकिन अब पुतिन ने दोनों इलाकों को स्वतंत्र मुल्क की मान्यता दे दी, और पुतिन अब बारूद बरसाकर यूक्रेन को भी इसके लिए राजी करने में लगे हैं। रूस के हमले ने यूक्रेन की तस्वीर बदल दी है। यूक्रेन में शहर शहर रूस की मिसाइलें बरस रही हैं। यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस के टारगेट पर हैं। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में रूस की मिसाइलें आग बरसा रही हैं। दिन के 24 घंटे किसी भी वक्त कीव पर मिसाइल गिर पड़ती है। मिसाइल के शोलों से लगी आग में कीव जल रहा है। इन्हीं हमलों के डर से यूक्रेन के शहर खाली होते जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है। हर कोई सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश में लगा है। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे,
सभी मुश्किल हालात का सामना करते हुए यूक्रेन सीमा पार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हर एक सेकंड में यूक्रेन युद्ध के दौरान हर एक बच्चा शरणार्थी बन रहा है। आइए आपको बताते हैं कि अभी तक 30 लाख लोगों ने जो शरण ली है वो कौन कौन से हिस्से हैं, यूक्रेन से कहां कहां लोग पहुंचे हैं। सबसे पहले आता है पोलैंड का आंकड़ा जो सबसे ज्यादा है, 17,92,000 लोगों ने यहाँ शरण ली है। इसके बाद स्लोवाकिया जहाँ 2,15,000 लोग शरण ले चुके हैं। वहीं हंगरी का आंकड़ा है 2,60,000 का। रोमानिया की अगर हम बात करते हैं तो वो आंकड़ा पहुंच जाता है 4,22,000 का। इसके अलावा मालडोवा की बात करें तो वहां 3,45,000 लोगों ने अभी तक शरण ली है। और साथ ही बेलारूस की बात करें तो वहां सबसे कम शरणार्थी पहुंचे हैं 1,000। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रूस में शरण ली है, वो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, वो है 2,00,000 का आंकड़ा। दरअसल लुहांस और डोनेस्क से लोग रूस में शिफ्ट हुए हैं और उनकी संख्या है 2,00,000। अब आपको युद्ध की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन की सेना की जाबाजी की है। देखिए कैसे यूक्रेन के सैनिक रूसी टैंक उड़ा रहे हैं। बॉर्डर से शुरू हुई लड़ाई शहरों में पहुंचकर अब स्ट्रीट फाइट में बदल गई है। यूक्रेन के आम नागरिक रूस के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में अब तक व्लादिमीर पुतिन के 13 कमांडर खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन चुन चुन कर रूस के कमांडर्स को टारगेट कर रहा है। रूस की सैन्य कमान में खलबली मचाना यूक्रेन का मकसद बन गया है। रूस के 13 कमांडर्स ढेर हो चुके हैं, जिनमें से 4 मेजर जनरल हैं। यूरोप और पश्चिमी देशों के अखबार इन कमांडर्स की तस्वीरों से भरे पड़े हैं। रूस के ऐसे बड़े बड़े जनरल मारे जा रहे हैं जिनके पास सीक्रेट ऑपरेशंस की जिम्मेदारी थी, जिनसे रूस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। जो जनरल फ्रंट पर मौजूद थे अब रूस इन्हें बहुत सस्ते में गवाता जा रहा है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जैसे जैसे महायुद्ध की मियाद बढ़ती जा रही है रूस के हमले और तेज होते जा रहे हैं, मिसाइलें फट रही हैं। रूस की तोपें आग उगल रही हैं। महायुद्ध के महानाद से पूरा यूक्रेन थरथरा रहा है। फरवरी की रात रूस ने यूक्रेन पर उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों दिशाओं से हमले शुरू किए। पुतिन की योजना 15 दिनों में कीव पर कब्जा जमा कर युद्ध को उसके अंजाम तक पहुंचाने की थी। 15 दिन में जीत के साथ युद्ध को खत्म कर देने का प्लान था, लेकिन यूक्रेन आज भी रूस को जंग में उलझाए हुए है। यूक्रेन की सेना पुतिन के लड़ाकों का डटकर मुकाबला कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन का नक्शा कैसा था। देखिए सीधे ये आपको यूक्रेन का नक्शा जो युद्ध शुरू होने से पहले था, लेकिन किस तरह से डोनेस और लुहांस के कुछ हिस्सों पर रूस समर्थित विद्रोहियों ने कब्जा किया, उसके बाद धीरे धीरे जो तस्वीर है वो यूक्रेन की बदलती गई। तबाही के साथ साथ चेर्नी पर कब्जा किया हुआ है। इस वक्त यूक्रेन ने चेर्नोबिल में शुरुआत में ही कब्जा हो गया था, साथ ही खार्किव जहां पर भीषण तबाही हो रही है। इसके अलावा निप्रो का हिस्सा जहां आप कल से ही देखिए खबरें लगातार आ रही है, मिसाइल अटैक और तमाम तरह की विद्रोह और आपदा की तस्वीरें वहां पर जानकारी के मुताबिक वीडियो के जरिए साझा की जा रही है। खेरसोन भी वो हिस्सा है जहां भारी तबाही इस युद्ध के दरमियान देखी गई है। ज़ापोरिज़िया वो हिस्सा जहां पर बहुत ज्यादा बमबारी हो रही है, और इसके अलावा जो क्राइमिया हिस्सा है ये तो पहले ही 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। युद्ध शुरू करना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन युद्ध खत्म कब होगा ये परिस्थितियां तय करती हैं।
23 फरवरी की आधी रात जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का बिगुल बजाया तो लगा कि बस दो चार दिनों की बात है। कीव पर रूस का झंडा लहराने लगे, लेकिन सारे कयास धरे रह गए। जिस वोलोदिमीर जेलेंस्की को बहुत कमजोर प्रेसिडेंट बताया गया, वही जेलेंस्की युद्ध के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. आज की तारीख में भी पुतिन की सेना यूक्रेन में जी भरकर आग बरसा रही है, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों के हौसले भी सातवें आसमान पर है। इसकी एक वानगी काला सागर में मौजूद स्नेक आइलैंड में देखी गई। स्नेक आइलैंड पर हमले के वक्त रूस की नौसेना ने पहले डराया, धमकाया और फिर सरेंडर करने की बात कही। हमले से पहले यहाँ यूक्रेन का कब्जा था। उस वक्त आइलैंड पर यूक्रेन के 13 नौसैनिक तैनात थे। दूसरी तरफ काला सागर में रूस का ये सफेद रंग का ताकतवर युद्धपोत था। इसी युद्धपोत से रूस की नौसेना सरेंडर करने की बात कर रही थी, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी। लेकिन यही शब्द उस सैनिक के अंतिम शब्द बन गए। रूस के युद्धपोत स्नेक आइलैंड पर बारूद बरसाने लगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने अपने सैनिकों की शहादत को सलाम करते हुए ऐलान किया कि सभी 13 सैनिकों को यूक्रेन के हीरो के खिताब से नवाजा गया। यूक्रेन के सैनिकों के सामने चाहे रूस का शक्तिशाली युद्धपोत हो या फिर रूस के ताकतवर टैंक, सबका डटकर मुकाबला किया जा रहा है। सीमा से शुरू हुई लड़ाई अब यूक्रेन के शहरों में पहुंच चुकी है। Полтава. В деле. Сосать! Слава Украине! रूस की सेना के खिलाफ ये यूक्रेन का गुरिला वॉर। इस वीडियो को देखिए, यूक्रेन का छापामार दस्ता कैसे रूस के टैंकों को तबाह कर रहा है। वीडियो में सड़क पर एक तरफ रूस की बख्तरबंद गाड़ी है जो बम गोलों गोली बंदूक से लैस है, दूसरी तरफ सिर्फ 3 लोग हैं। एक के हाथ में मोबाइल है, दूसरा स्टिंगर मिसाइल लॉन्चर लिए हुए है और तीसरा कार की स्टीयरिंग थामे हुए है। मिसाइल लॉन्चर लिए शख्स स्टिंगर मिसाइल छोड़ता है जो सीधे सामने खड़ी रूस की बख्तरबंद गाड़ी पर जाकर लगता है और रेड आर्मी की ये बख्तरबंद गाड़ी धू धू कर चल उठती है। गुरिला वॉर के दूसरे वीडियो को देखिए। उसके लिए ये पूछ पाले ते शो ते ड्रैकोने पाले वो तारे को पत पालो ब्लेड पेस्टा वाम सुके ये बात। ये वीडियो कीव के बाहरी इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे यूक्रेन के दोनों सैनिक जेवलिन मिसाइल लिए रूस की सेना को चुनौती दे रहे हैं।
О, братва, п***ала, суета, пизда вам, москали ебучи, блядь, буду вас палити. Шо ти, дракони, опали, готовы к новому подпалу, блядь? Пизда вам, суки, ебашки буду, блядь. रूसी सैनिकों ने राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए बेलारूस की तरफ से चेर्नोबिल पर हमला किया, चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा जमा लिया और चेर्नोबिल से काफी आगे बढ़कर अब जल्द से जल्द कीव पर कब्जा करना चाहते हैं। राजधानी कीव की लड़ाई सबसे बड़ी जंग बन गई है। कीव में घमासान जारी है और इस वक्त रूस की जो सेना है वो यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी हिस्सों पर कब्जा करने में कामयाब हुई है। दो इलाकों से यानी दो तरफा इस वक्त कीव को टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले ये वॉर्सो हाईवे, जहां पर ये पूर्वोत्तर का हिस्सा जो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ रूसी सेना का जत्था यहाँ आ रहा है और इन इलाकों पर कब्जा करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम का ये चेर्नेव हाईवे वाला हिस्सा, ये दोनों ही हाईवे, वॉर्सो हाईवे और चेर्नेव हाईवे, यहाँ से लगातार दो तरफा टारगेट किया जा रहा है रूसी सेना के जरिए कीव को, यानी यूक्रेन की राजधानी को पूरी तरह से कब्जे में लेने के लिए। वो इलाके जहाँ सबसे ज़्यादा इस वक्त तबाही हो रही है उसमें बुका, एरपिन, हॉस्टमिल, ब्रोवरी और वेलिका डेमेरिका शामिल है। जंग में किसी राजधानी का बाकी देश से अलग थलग पड़ना पूरे देश के लिए घातक साबित होता है और पुतिन ने कीव की उसी कमजोर कड़ी पर करारा वार करने की रणनीति को आगे बढ़ाया है। युद्ध में अमेरिका और उसके साथी नेटो देशों की मदद ने ही यूक्रेन को अब तक रूस के सामने टिकाया हुआ है और यूक्रेन में यूरोप से ये मदद आ रही है, कीव के पश्चिम में बसे जितोमर शहर से। यूक्रेन में बाहर से आ रही सबसे ज्यादा मदद उसके पड़ोसी देश पोलैंड के रास्ते से ही पहुंच रही है और जितोमर शहर कीव और पोलैंड के बीच एक अहम कड़ी का काम कर रहा है। वो यूक्रेन की जंग में लॉजिस्टिक्स और शरणार्थियों के लिए बनाए गए कॉरिडोर का अहम हिस्सा है, इसलिए रूस की सेना जितोमर पर बम और मिसाइलें बरसाकर उसकी कमर तोड़ रही है और जिस दिन जितोमर गिरा कीव का किला भी ढह जाएगा। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उसके 1,90,000 सैनिकों ने यूक्रेन की जमीन पर कदम रखे थे। इसमें लगभग 60% फौजी बेलारूस से कीव की तरफ बढ़े थे और बाकी सैनिक यूक्रेन के पूर्व और दक्षिणी हिस्सों से घुसे थे। लेकिन अब पुतिन ने अपने ज्यादातर सैनिकों को कीव में लड़ाई लड़ने के लिए शिफ्ट कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अब रूस की सेना के 60% से भी ज्यादा जवान कीव को घेरे हुए हैं। रूसी सेना ने कीव में मिसाइल अटैक कर भयंकर तबाही मचाई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटे रूस ने उसके रिहायशी इलाकों पर भारी बमबारी की है। आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि कीव में कहां कहां पर मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में सबसे पहले यूक्रेन की जो संसद है उसके पास मिसाइल से अटैक किया गया है। यहां पर भीषण तबाही की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। उसके बाद जो अगला टारगेट रूस की सेना ने किया है वो टीवी टावर, जो कीव का टीवी टावर है उसे टारगेट पर लिया गया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक टारगेट किया जा रहा है कीव को। साथ ही एंटोनोव एयरक्राफ्ट फैक्ट्री है, वहां पर भी विस्फोट पर विस्फोट हो रहा है। इसके अलावा भीषण तबाही की तस्वीरें लगातार जो सामने आ रही हैं उसमें सबसे ज्यादा नुकसान एरपिन में भी हुआ है, पश्चिम का यह हिस्सा कीव का, जहां पर भीषण तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वी ब्रोवरी का जो हिस्सा है यहां पर भी मिसाइल से अटैक किया गया है। रूसी सेना का सबसे बड़ा मकसद है कीव को कब्जे में लेना। कीव के अलावा पुतिन की सेना यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खारकीव पर भी लगातार हवाई हमले कर रही है। इन हमलों की वजह से पूरे इलाके में रात भर आसमान में लगातार तेज रोशनी उठती रही है, जबकि कई जगहों पर आग लगने से वहां धुआं ही धुआं छा जाता है। रूस के इस हमले से कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। खारकीव में रूस की बमबारी ऐसे ही तेज नहीं हुई है। पुतिन की सेना की नजरें कीव के बाद खासतौर पर खारकीव पर ही टिकी हुई है। खारकीव रूस के काफी नजदीक है और दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं। कीव के बाद खारकीव आबादी के लिहाज से यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है। खारकीव में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है जिस पर यूक्रेन ने पिछले हफ्ते हमला होने का दावा किया था।
लेकिन यूक्रेन की सेना इस इलाके को बिना लड़े ही गंवाना नहीं चाहती। इसके लिए भारी बर्फबारी के बावजूद उसके जवान मोर्चे पर डटे हैं। इन्होंने रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी है। इस जंग में यूक्रेन की सेना के लिए वो आधुनिक हथियार काफी मददगार साबित हो रहे हैं जो पश्चिमी देशों ने मुहैया कराए थे। अमेरिका ने यूक्रेन को FGM-148 जेवलिन मिसाइलें भेजी हैं। FIM-92 स्टिंगर मिसाइलों को अमेरिका पहले ही सौंप चुका है। इसके साथ ही अमेरिका यूक्रेन को SMAW डी ग्रेनेड लॉन्चर्स भी भेज चुका है। ब्रिटेन से नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक मिसाइलें आई हैं। एस्टोनिया ने भी यूक्रेन को जेवलिन मिसाइलें भेजी हैं। लात्विया और लिथुएनिया से यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइलें मिली हैं। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा विभाग के सूत्रों ने दावा किया है कि पुतिन की सेना के पास यूक्रेन से जंग जीतने के लिए अब बहुत कम वक्त बचा है। यूक्रेन से युद्ध लड़ रही पुतिन की सेना के पास अब सिर्फ 10 से 14 दिनों का गोला बारूद बचा है और यही वजह है कि वो राजधानी कीव पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। साथ ही साथ यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस कब्जा किए हुए है उसे बरकरार रखने की लड़ाई लड़ रहा है। कीव का किला अभी भी मजबूती से खड़ा हुआ है। दरअसल यूक्रेन की फौज ने कीव की ऐसी मोर्चाबंदी की है कि जिसे भेद पाना रूसी सेना के लिए मुश्किल होता जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूसी सेना कीव में घुस भी गई तो उसके लिए कीव पर कब्जा कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कीव के नीचे बना एक पाताल लोक, और अगर रूसी सेना इस पाताल लोक में उतरी तो इस भूल भुलैया में गायब हो सकती है। आखिर क्या है कीव शहर के नीचे के इस पाताल लोक का राज, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। तबाही का 22वां दिन, पचास घंटे से कीव पर प्रहार, फिर भी कीव पर कब्जे में रूस नाकाम। नहीं टूट रहा कीव का किला। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जंग के ऐलान के साथ ही रूसी फौज पहले ही दिन से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए बेकरार थी। लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ भी व्लादिमीर पुतिन का कीव पर कब्जे का मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। कीव पर रूसी फौज हर रोज कहर बरपा रही है, जिसका अंजाम ये हुआ कि एक हंसता खेलता खिलखिलाता शहर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। रूसी फौज की दिन रात हो रही बमबारी में लोगों के आशियाने पल भर में खाक हो रहे हैं और शहर की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें चुटकियों में मलबे में तब्दील होती नजर आ रही हैं। लेकिन आसमान से बरसता रूसी फौज का बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यकीन न हो तो यूक्रेन से आई इन तस्वीरों पर जरा एक नजर डालिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पिछले चंद दिनों में रूसी सेना की बमबारी के बाद यूक्रेन के शहरों और लोगों का आखिर क्या हाल है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली कीव की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा, शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम मनाते लोगों की सिसकियां ही अब यहाँ सुनाई दे रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस हकीकत से अनजान नहीं है कि भले ही रूसी फौज पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमा ले, लेकिन जब तक वो कीव पर अपना परचम नहीं लहरा देते तब तक उनकी जीत अधूरी है। लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की भी कीव को बचाने की जंग लगातार जारी है और उनकी इस जंग में यूक्रेन की सेना के फौजियों के साथ साथ कीव के आम नागरिक भी अब शामिल हो चुके हैं। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और किला ज्यादा नजर आ रहा है, एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को तीन तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन
यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चाबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उसमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग पर नजर रखने वाले रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग आसान नहीं है। कॉमन सेंस तो ये कहता है कि जितना जल्दी से जल्दी वो जितना हिस्सा काबिज कर सके अपना वही कर पाते, ताकि एक निगोशिएटिंग एडवांटेज उनके पास रहता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन जो है पूरी तरह उसको बम्बार्ड नहीं करना चाहते। कीव के साथ उनका इमोशनल रिश्ता है, तो कीव को सराउंड करके धीरे धीरे वहाँ पर उसको इस सिचुएशन में लाया जाए कि कीव सरेंडर कर दे। और उन्होंने कहा भी था कि कीव के लोगों को मेरे कोई सिविलियंस के साथ उनको मारा ना जाए, ये और उनके साथ में कोई बदसलूकी ना की जाए। और उन्होंने कहा कि अब जल्दी छोड़ दीजिए यहाँ से, ताकि हमारी फौजें उसको कब्जे में कर लें। आइए अब आपको कीव शहर से जुड़ा सबसे बड़ा राज दिखाते हैं। हम इस वीडियो के जरिए आपको ये राज समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में नजर आ रही ये नन्ही परी इमिलिया है, और इस वक्त इमिलिया अंग्रेजी फिल्म फ्रोजन का गाना लेट इट गो इस बंकर में उसके साथ मौजूद तमाम लोगों को गाकर सुना रही है। इमिलिया और ये तमाम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं, दरअसल वही कीव शहर का सबसे बड़ा राज है। कीव शहर के नीचे ऐसे एक नहीं बल्कि कई बंकर मौजूद हैं। कमाल की बात यह है कि ऐसे बंकरों में छिपे लोगों पर शहर की सड़कों पर बरसते बमों के बारूद और धमाकों का कोई असर नहीं होता। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि रूसी सेना भी कीव शहर में मौजूद इस पाताल लोक के राज के बारे में जानती है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती। यूक्रेन की सरकार का दावा है कि रूसी हमले से बचने के लिए उसने कीव में 3,000 बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं। यूक्रेन में पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंडरग्राउंड नेटवर्क मौजूद है। यूक्रेन की सरकार ने साल 2014 से ही अपने मेट्रो स्टेशनों में जंग के हालात में उन्हें बॉम्ब शेल्टर की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि शहर की मेट्रो के 52 में से 47 सब स्टेशनों को शहर के लोगों को रूसी फौज की बमबारी से बचने के लिए अब बॉम्ब शेल्टर में तब्दील कर दिया गया है। इन बंकरों में हजारों लोग छुपकर महफूज रह सकते हैं। नीपर नदी के नीचे बने इस मेट्रो लाइन के जरिए भी अब शहर के दोनों हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। कीव में सबसे पहला मेट्रो सबवे 1960 में तैयार कर लिया गया था। ये कीव शहर का अर्सलाना मेट्रो स्टेशन है। अर्सलाना मेट्रो स्टेशन जमीन के अंदर तकरीबन 106 मीटर की गहराई पर बना हुआ है। ये दुनिया का जमीन के अंदर सबसे ज्यादा गहराई में बना मेट्रो स्टेशन भी है। और इस मेट्रो स्टेशन के अंदर भी जंग के हालात के दौरान लोगों की हिफाजत के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सोवियत के टाइम पे जिस वक्त में स्टालिन ने बनाए थे, तो चाहे वो रशिया हो, चाहे यूक्रेन या जितने भी पुराने जगह हैं, वहाँ पर ये एक शुरू से ही ये नीति बनाई गई थी कि बंकर, चाहे वो एटम बम हो या किसी भी चीज़ से बचाने के लिए, बॉम्ब से बचाने के लिए पॉपुलेशन को हर एक बिल्डिंग के नीचे तहखाने बनाए जाएंगे। जितने उनके जो रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन होते हैं वो बहुत डीप होते हैं, और उसके अंदर में वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी इन्होंने यूज़ किए थे, लोगों को अंदर रहे उसमें जाकर के काफ़ी सारे। और मैं समझता हूँ कि ये एक नेचुरल डिफेंस है वहाँ पर। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक कीव को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि कीव शहर को जानने वाले इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। दरअसल कीव शहर के नीचे शहर से जुड़ा सबसे बड़ा राज छिपा है। ये एक ऐसा राज है जिसकी बुनियाद सोवियत रूस के दौर में रखी गई थी। कीव शहर के नीचे सुरंगों का एक ऐसा जाल बना हुआ है जिसमें शहर के लोग और यूक्रेनी फौजी महीनों तक छिपकर उसके खिलाफ जंग जारी रख सकते हैं। फिलहाल इन सुरंगों का इस्तेमाल शहर की पानी की निकासी के लिए किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन सुरंगों को जानने वाले जानते हैं कि यहाँ सालों तक बने रूसी सेना के दो बंकर भी मौजूद हैं,
जिसमें आसानी से छिपा जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि अब ये जंग गोरिल्ला वॉर की तरफ बढ़ रही है और रूसी सेना भले ही क्यू में घुस जाए, लेकिन उसके लिए क्यू शहर पर नियंत्रण कर पाना काफी मुश्किल रहने वाला है। जहां तक गोरिल्ला वॉरफेयर की बात है, तो मेरा मानना है कि ये बड़ा मुश्किल वॉर होता है। जब भी होता है गोरिल्ला वॉरफेयर आसान नहीं होता है। हमने श्रीलंका में देखा, हमने और भी जगह देखा। बड़ी फोर्सेस के लिए जो रेगुलर फोर्सेस हैं उनको इसमें दिक्कत आती है। इसी तरह अर्बन वॉरफेयर होता है। तो अभी ये अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो प्लान है कि किस तरह से जो लोगों को आर्म्स दिए जाएँ, जेलेंस्की ने खुद कहा है कि लोगों के पास आर्म्स हों और लड़ें सोवियत, लेकिन अभी इससे और ज़्यादा कैजुअल्टी होगी, क्योंकि जो लोग अगर आर्म्स के साथ में लड़ेंगे तो वो वॉर सोल्जर माने जाते हैं, तो फिर वो सिविलियंस की तरह ट्रीट नहीं किए जाते। क्यू के मेयर विताली क्लिट्सको के मुताबिक, रूस को क्यू पर कब्जा करने से रोकने के लिए आम शहरी भी हथियार उठा चुके हैं। विताली साल 2006 से 2015 तक बॉक्सिंग के हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और क्यू की जंग में वो शहर की सड़कों पर घूमते हुए फौजियों और क्यू के नागरिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। Putin says he's only targeting military targets. Sorry. Where is military target? This building is military target. फिलहाल आलम ये है कि ना तो राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार हैं और ना ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रुकने के लिए तैयार हैं। अमेरिका समेत यूरोप के तमाम देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जंग रोकने की अपील कर चुके हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस पर दबाव बनाने के लिए, जंग रोकने के लिए कई तरह की आर्थिक पाबंदियां भी लगा चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके रूस के राष्ट्रपति पुतिन ना तो अपना फैसला बदल रहे हैं और ना ही जंग रोक रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन कीव में अभी कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं, इसलिए अब रूस की सेना ने दक्षिण के शहर मारियोपोल पर हमले तेज कर दिए हैं। मारियोपोल में करीब 2,500 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। ये दावा वहां के डिप्टी मेयर ने किया है। हालात ये हैं कि मारियोपोल में बॉडी बैग्स कम पड़ गए हैं। यूक्रेन का ये शहर कैसे एक कब्रिस्तान में तब्दील होता जा रहा है, ये रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि रूस के हमलों से ज़ेलेंस्की का दिल क्यों तार तार हो चुका है। जब दुनिया ने क्यू पर नजर टिका कर रखी, रूस ने मारियोपोल पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। जब ज़ेलेंस्की खार्किव बचाते नजर आए, दक्षिण में अलग थलग पड़ चुके मारियोपोल को रूस ने घेर कर मारा है। मारियोपोल के खिलाफ पुतिन ने सबसे बड़ी चढ़ाई शुरू कर दी है। अगले 24 घंटे में मारियोपोल का डिफेंस ठह सकता है। आखिर मारियोपोल शहर पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट क्यों बन चुका है? रिहायशी इमारतों पर बमबारी, ये जलते हुए फ्लैट और उसके बाद जख्मी लोगों से पटे मारियोपोल के अस्पताल। यूक्रेन के लोगों को अपने रिश्तेदारों की मौत पर आंसू बहाने का भी मौका नहीं मिला। मारियोपोल की सबसे दहलाने वाली तस्वीर देखिए। शहर का ये बहुत ही मशहूर थिएटर है और इस पर रूस ने बहुत बड़ा बम गिराया और इसके बाद ये शानदार इमारत पूरी तरह ढह चुकी है। मारियोपोल के थिएटर की तस्वीरों ने दुनिया भर को आखिर क्यों परेशान कर दिया है, अब वो देखिए। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ थिएटर के बाहर जमीन पर सफेद रंग से लिखा गया था कि यहाँ बच्चे हैं। आखिर इस जगह पर बमबारी में कितनी जान गई, इस बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मारियोपोल के डिप्टी मेयर के मुताबिक करीब 1,000 लोगों ने इस इमारत में पनाह ली हुई थी, जिनमें बच्चों की तादाद ज्यादा थी। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी इस थिएटर की तस्वीरें ट्वीट की है। इन्हें देखकर यहां हुए नुकसान का अंदाजा लगाएंगे
तो बहुत डराने वाले आंकड़े जहन में आएंगे। Маріуполі, у блокадному Маріуполі російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі міста. Там ховалися від обстрілів сотні людей. Будівля зруйнована. Кількість загиблих ще невідома. Юдх ме аам логон ке ліє зиндгі бачане кі джанг кя хоті хе? Маріуполь се лагатар іске відео а рахе хе. 4.5 लाख की आबादी वाले मारियुपोल से एक ही दिन में 30,000 से ज्यादा लोगों ने इस शहर को छोड़ दिया।